नमो जिराणम बोलकर, क्योंकि हमने उसे अपने हृदय में भगवान का दर्जा दिया नमो जिराणम बोलकर। इससे बड़ा दर्जा क्या हो सकता है किसी की भी लाइफ में। आप एक बार बोलोगे लेकिन सामने वाला आपको 10 बार जरूर बोलेगा, क्योंकि आपने उसे भगवान बोला है। पहली बार वो जरूर पूछेगा कि आपने क्या मुझे बोला या क्या मुझे आपने गाली दी, ये हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम ये यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। तो पहला पराक्रम है, ये पराक्रम अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में आप सबको नमो नमो कर नहीं सकते, न किया है आज तक। लेकिन यहाँ भगवान के आदेश के मुताबिक, भगवान की देशना के मुताबिक, हमें हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर जीव को नमो जिनानम कहना है। जैसे जैसे हम लोगों को भगवान बनाना शुरू कर देंगे, उसके बाद सेकेंड लेवल पे उसकी तारीफ करना शुरू करनी है। जो भी उसके गुण हैं, व्यक्ति जब आपके संपर्क में आए तो उस समय हमें उसका नाम पता वगैरह सब ले ले और उसको, उसकी तारीफ करना शुरू कर दे। नमो करने के बाद तारीफ करनी है, उसके गुणगान गाने हैं। गुणगान गाने के लिए आपको जो गुण दिख रहे हैं, निकम्मे में, निकम्मे इंसान के अंदर भी गुण होते हैं। फॉर एग्जांपल दाऊद बड़े बड़ा गुनेगार है, वर्ल्ड लेवल का गुनेगार है, लेकिन जिस तरह वो अपना बिजनेस मैनेजमेंट करता है तारीफ काबिल है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति भी ऐसा मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव, जो देश चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव जो लिखे पढ़े लोग हैं, वो भी इस प्रकार ये सिस्टम नहीं चला पाते हैं। इतना बाहुशी से वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो जो गुण है उसके, बाहुशी के गुण, उसका जैसे जैसे तारीफ करोगे वैसे वैसे वो आपका नुकसान नहीं करेगा, ये बात पक्की हो जाएगी। मैंने तो आपको दाऊद का एग्जाम्पल दिया, आपके जीवन में भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसको, उसके, उससे आपको भय होगा और आप उससे दूर भागते हो। आज से ये बंद कर देना है। इसी को पराक्रम कहते हैं कि नॉर्मल इंसान ऐसे लोगों से दूर भागता है। नॉर्मल इंसान सबको नमो नहीं कहता है, नमस्ते नहीं कहता है, वो अपने दोस्त लोग को कहता है, यारों को कहता है और सबको नहीं बोलता है। और इसीलिए उसे पराक्रम कहा गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स टू बी टेकन इन अवर लाइफ टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस। अरिहंत परमात्मा का अस्तित्व एज अ गॉड, एज भगवान क्यों है? क्योंकि ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स उन्होंने अपने जीवन में अपनाए हैं। जिस दिन से जो भी इंसान ऐसे स्टेप्स अपनाना शुरू करेगा, तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी कहते हैं कि तू भी अरिहंत जरूर बनेगा, बस बात रहेगी सिर्फ उसके बाद समय की, कितने साल में संभव हो सकता है, इस जीवन में नहीं तो कितने जीवन में। तो ये पहला स्टेप है पराक्रम का, नमो भाव अहो भाव, टोटल डायमेंशन चेंजिंग पराक्रम। क्योंकि अभी आप किसी से भी डरते नहीं हो, आप सबका सम्मान करना शुरू कर दिए हैं। जिस समय आप हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति का सम्मान करना शुरू करेंगे, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर जीव
कहीं कहीं आपको मैं जीव के बारे में बताता हूँ, कहीं कॉकरोच से डरते हैं, कहीं मच्छर से डरते हैं, कोई डेढ़ गरोड़ी क्या बोलते उसे चिपकली से डरते हैं, कोई चूहे से डरते हैं, कोई कुत्ते से डरता है, कोई बिल्ली से डरता है, ये सारे भय जो हैं। हाँ, जहाँ से जिससे भी आपको भय है, कोई किसी को वस्तुओं से भय होता है, किसी को परिस्थितियों से भय होता है, उसको परिस्थिति सामने आती है तो भयानक वो बेचारे पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, ऐसा होता है। इसके ऊपर विजय पाने का ये रामबाण इलाज है। क्या है, तारीफ करना शुरू कर दो, नमो भाव से नमस्कार करना शुरू कर दो, उसके अंदर भगवत तत्व को आप नमस्कार कर रहे हो, उस इंसान को, इस वस्तु को, उस व्यक्ति को आप नहीं कर रहे हो नमस्कार, आप उसकी असलियत हैसियत को नमस्कार कर रहे हो, उसके अंतर के अंदर रहे हुए परम तत्व को नमस्कार कर रहे हो। सपोज आपकी नौकरी चली गई, आपके काम धंधे ठप पड़ गए हैं, क्या आप रोने बैठ जाओगे, क्या आप मायूस होकर बैठे रहोगे, हाथ पे हाथ धरे, क्या करोगे आप? आप ढूंढने निकलोगे, ढूंढने निकलोगे ना, बस ये पराक्रम शुरू कर देना, जहां भी जिसको भी मिलो, जिसको भी मिलो शुरुआत करना नमस्कार से। आप किसी के पास नौकरी लेने गए, आप किसी के पास काम धंधा बिजनेस के लिए गए, शुरुआत नमस्कार से करो, नमो जीर्णम बोल कर करो, उसको सुनाई दे ऐसे बोलना है, क्योंकि ये मिरेकल जादू मंत्र है, जादुई मंत्र है। ये शब्द जब सामने वाले के कान में जाएगा तो उसके अंदर झनझनाहट पैदा हो जाएगी, वो चाहे कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, कितना भी लुच्चा लफंगा क्यों ना हो, ये मंत्र जब उसके कान में जाएंगे, नमो जीर्णम, आपको ऐसे आराम से बोलना है। अगर आपने उसको लुच्चा लफंगा ऐसा वैसा ऐसा आपके दिमाग में डाल दिया और फिर नमो जीर्णम बोलोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, तो आपके जीवन में जो नुकसानी है, जो बर्बादी है, वो चलती रहेगी, लेकिन उसको रिप्लेस करके हमें नमो भाव से नमस्कार करना है, नमो जिनानम, और बड़े दिल से, ईमानदारी से, दिल की गहराई से कहना है, नमो जिनानम, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग्स दीजिए, थैंक यू कहिए, जब आप विदा लेते हो तब थैंक यू बोलिए, गॉड ब्लेस यू बोलिए, यानी प्रभु आपके ऊपर असीम असीम कृपा करे। आपका उसने काम किया न किया, न किया तो दो बार उसे बोलिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, किया तो एक बार बोलिए, न किया तो दो बार बोलिए, चार बार बोलिए, और बड़े प्रेम से बोलिए, आपके टोन के अंदर वो पता चलेगा कि आप प्रेम से बोल रहे हो, नफरत से बोल रहे हो, चालाकी से बोल रहे हो, अपना काम निकालने के लिए बोल रहे हो, सब कुछ पता चलता है वो टोन में से। दिल की ईमान से और ईमानदारी से ये पहला पराक्रम करना है, हमारे जीवन की हार, हमारी जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन की तकलीफों के ऊपर विजय पाने के लिए। आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपका नौकरी धंधे चले गए आपके, तो जिससे भी आप मिलते हो, स्टार्ट दिस प्रोसेस, नमो जिनानम, और उसकी तारीफ करो, दिल से तारीफ करो, दो गुण की तारीफ करो, और मन के अंदर धारणा रखो, मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू, नमो जिनानम, उसके अंदर रहे हुए परमात्मा को एक्सेप्ट करके, रिसीव करके उसे ये ब्लेसिंग्स देना है, नमो जिनानम। इस प्रकार ये शुरुआत की जाए, करके देखना, दिस विल बी अ रिवॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ, बेट इट एंड यू विल गेट इट। ऑनेस्टी इज द ओनली फैक्टर विच नीड्स टू बी इनकल्केटेड विथ इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी। ईमानदारी, तीव्रता और सातत्य, ये छह पराक्रम, छह के छह पराक्रम के अंदर ये
चार चीज होनी बहुत जरूरी है, ईमानदारी, तीव्रता, सातत्य और अलर्टनेस। अलर्टनेस सबसे पहली होनी चाहिए, तभी जाके ये तीन स्टेप्स आपके जीवन में पैदा हो गए। जो अलर्ट रहेगा और इस प्रकार नमो जिनाणम कहकर जगत को स्वीकारेगा, सामने वाला कितना भी बदचलन, गुंडा, लफंगा, ये वो जो भी हो, दुनिया के लिए वो है, लेकिन आपके लिए वो देवता बन जाएगा, क्योंकि वो नमो जिनाणम का मंत्र उसके कान के अंदर जाकर उसकी पूरी विचारधारा बदल देगी। ये पावर है नमो जिनाणम का। सो अगर आप इसे फॉलो करते हो, ये पराक्रम को, तो समझ लो आपका पर्युषण सफल होना शुरू हो गया। जीवन शैली के अंदर ये छह पराक्रम हमें प्रकट करने हैं। अभी तो मैं पहले पराक्रम की सिर्फ बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर दो बातें मैंने बताई, जो मिले उसे नमो जिनाणम। आप कोई किताब वापर रहे हो, कोई भी वस्तु वापर रहे हो, तो उसको भी वापरने के पहले नमो जिनाणम, ऐसे हाथ लगा कर नमो जिनाणम कहना है। देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपके अंदर मेमोरी नहीं हो रही है, याद नहीं रहता है, कीजिए, स्टार्ट डूइंग दिस, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। ये किताब को कहना शुरू कर दो, नमो जिनाणम। आपका फियर, आपकी शंका, चिंता कम होना शुरू हो जाएगी। और वो ही किताब जो आपको कठिन लगती थी, चंद दिनों में वो किताब आपकी आंखों में बस जाएगी। आप आंख बंद करो और आप बिना किताब आपको हर पन्ना पढ़ाई देना शुरू हो जाएगा। ये है ताकत नमो जिनाणम की। बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। कभी भी आप मायूस नहीं होना है। अब दूसरा स्टेप बताता हूं, ये इसका भी जबरदस्त बाप है जो परमात्मा ने हमें बताया है। स्टेप नंबर टू, रिवोल्यूशनरी पराक्रम। ये पराक्रम है, और ये पराक्रम क्या करना है, हर घंटे हमें सात हस्तियों का शरण लेना है, जो कृपा निधान है, जो तथास्तु ऐसे हाथ करके बैठे हमें आशीर्वाद देने के लिए, हम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतना अज्ञान भरा पड़ा है और हमें ये लेने की शुरुआत करनी है। प्रभु कृपा, सबसे पहला ईश्वर, ईश्वर यानि लॉ ऑफ नेचर। इस लॉ ऑफ नेचर किसी के घर का नहीं है, और ये लॉ ऑफ नेचर जब हमारे जीवन का एक अंग बनता है तो जीवन बदल देता है। कल आगे इस पराक्रम की बात करेंगे। नमो भाव, अहो भाव, भक्ति योग क्या है, और इस पराक्रम को आगे बढ़ाकर प्रभु कृपा और पंच परमेष्ठी की कृपा कैसे हमारे जीवन को बदलती है वो देखेंगे। आज जो पहली बात बोली है, नमो भाव अहो भाव, आज से उसका पालन करना शुरू कर दें। नमो जिनाणम, कल वापस मिलते हैं। ये पर्युषण अनुभव धारा को रोज ये सात दिन अगर आप सुनते रहोगे तो आपका जीवन बदल सकता है। नमो जिनाणम। नंबर टू, हम जहां पर थे, पहला पराक्रम है नमो भाव और अहो भाव का पावर हमने देखा अपनी डे टू डे लाइफ में। अभी सेकेंड पराक्रम है प्रभु कृपा और पंच परमेष्ठी शरण, नमस्कार महामंत्र योग के माध्यम से। प्रभु कृपा एक ऐसी अस्तित्व है, ऐसा अस्तित्व है और ऐसी सिस्टम है जो जिसका रूट, हमारे जन्म का रूट ही वो है। अगर हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो
इन सातों की कृपा से ही हम इस दुनिया में आए हैं। पहली है ईश्वर कृपा, ईश्वर यानी लॉ ऑफ नेचर। अगर उनकी कृपा न होती तो हम यहाँ पर इस मनुष्य के स्वरूप में नहीं आते। तो पहली है ईश्वर की कृपा, दूसरी है तीर्थंकर परमात्माओं की कृपा। अब हम आ चुके हैं तो इस जीवन का उपयोग कैसे करना है, किस दिशा में करना है, क्या हासिल करने के लिए करना है, और हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो परेशानी है उसके ऊपर कैसे विजय पाना है, उसका रास्ता क्या निकालना है, वो है। इसलिए हमें सेकेंड स्टेप जो लेना है वो है जीवित तीर्थंकर परमात्माओं की कृपा। तीसरा स्टेप ये है सिद्ध परमात्माओं की कृपा। सिद्ध परमात्मा का अस्तित्व कौन, सिद्ध कौन होता है? जो अरिहंत होते हैं, जब देह छोड़ते हैं, अपना शरीर छोड़ते हैं, तो देह रहित अवस्था उसे सिद्ध अवस्था कहते हैं। लेकिन जब वो देह छोड़ते हैं उसके पहले अपने पास जो भी समृद्धि हैं, शक्तियों की समृद्धि, वो सारे जगत के अंदर, जैसे हमारे जैन दीक्षा होती है तो वर्षीदान होता है, आपने देखा होगा, तो उसमें जो भी दीक्षा दीक्षित होता है, दीक्षार्थी होता है, वो दान देता है लोगों को। इसी प्रकार के जो केवली होते हैं, जब देह छोड़ते हैं तो समुद्घात करते हैं, और इस समुद्घात से उनकी समृद्धि स्वरूप जो भी परमाणु है सारी सृष्टि में, तो ये सारे ब्रह्मांड में उनकी शक्तियाँ पड़ी हुई हैं। खाली ये बात है कि हमें उस शक्तियों को अपने अंदर या अपने तरफ कैसे आकर्षित करना, ये आता नहीं है। नमो जिनाणं जीय भयाणं सरे गम पधने, नमो जिनाणं जीय भयाणं नमो अरि हन नमो जिनाणं जीयभयाणं नमो अरि हन्ताणं नमो जिनाणं जीयभयाणं नमो म्याह रेंगे नमो